यूपी के जनपद संभल अशमोली थाना क्षेत्र में दिन में हुई मारपीट और कहासुनी के बाद रात में दोनों पक्ष फिर आमने सामने आए, जो जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान मस्जिद में नमाज पढ़कर लौट रहे वृद्ध की गोली लगने से मौत हो गई। पथराव और फायरिंग में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। हत्या की जानकारी मिलते ही एसपी के साथ ही एसएसपी और सीओ दो थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस तैनात है। जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव साहापुर दसर में दूध का काम करने वाले बाबू के बेटे अनिश का पूर्व प्रधान रियाज के बेटे आशिम से विवाद हो गया था। दोनों के बीच सोमवार को दिन में मारपीट हुई तो ग्रामीणों ने मामला निपटा दिया। रात को अनिश अपने छोटे भाई के साथ दूध लेकर लौट रहा था, तभी गांव के बाहर बैठे आशिम से उसकी फिर से कहासुनी हो गई। इसके बाद आशिम और उसके साथ बैठे युवकों ने अनिश के साथ मारपीट की। गाँव में इस विवाद की जानकारी हुई तो दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिससे मारपीट के साथ ही पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान नमाज पढ़कर लौट रहे 75 वर्षीय वृद्ध अब्दुल रजाक की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं गोली लगने से आशिम भी घायल हो गया। इसके अलावा आशिम पक्ष से भूरा सवनम पत्नी नाजिम और फरजाना पत्नी सिराजुल पथराव में घायल हुए हैं। गांव में पथराव फायरिंग और वृद्ध की मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक प्रकेश मिश्रा के साथ ही एसएसपी आलोक कुमार जायसवाल और सीओ अरुण कुमार सिंह दो थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद आसिम और उसके साथ बैठे युवकों ने अनिश के साथ मारपीट की। गांव में इस विवाद की जानकारी हुई तो दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए, जिससे मारपीट के साथ ही पथराव और फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान नमाज पढ़कर लौट रहे 75 वर्षीय वृद्ध अब्दुल रजाक की गोली लगने से मौत हो गई, वहीं गोली लगने से आशिम भी घायल हुआ है। थाना असमोली के अंतर्गत ग्राम शाहपुर डसार में आज शाम को यह सूचना मिली कि बच्चों के विवाद में दो पक्षों में आपस में झगड़ा हो गया है और गोली चली है। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति अब्दुल रज्जाक, जिसकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, उसकी गोली लगने से मृत्यु हुई है। एक जो मुख्य आरोपी है हाशिम, वो भी चोटिल है, उसको अस्पताल में इलाज में पुलिस की निगरानी में रखा गया है। दोनों पक्षों की तरफ से जो मुख्य लोग हैं उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उचित धाराओं में अभियोग लिखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बच्चों में आपस में हुए झगड़े के कारण यह झगड़ा हुआ है और इसमें पुलिस के द्वारा सभी पक्षों की जांच की जा रही है।